पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में 16 से 21 मई तक खेली गई अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतिम दिन 21 मई को फाइनल मुकाबला मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे एवं मेट्रो रेलवे कोलकाता के बीच खेला गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे ने 77 रन से मेट्रो रेलवे कोलकाता को हराकर चैंपियनशिप जीत ली। अखिल भारतीय रेल पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप के 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार पूर्वोत्तर रेलवे ने चैंपियनशिप जीता। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री अमित कुमार अग्रवाल ने प्रतियोगिता के विजेता पूर्वोत्तर रेलवे एवं उपविजेता मेट्रो रेलवे तथा तीसरे स्थान पर रही उत्तर रेलवे के खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण पत्र, ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। अपर महाप्रबंधक श्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे ने इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता जीती है, इसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी, कोच एवं प्रबंधन से जुड़े लोग बधाई के पात्र हैं। हालांकि सभी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इनमें से कई खिलाड़ी भविष्य में आईपीएल एवं भारतीय टीम में भी दिखेंगे। अंत में उन्होंने प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। इसके पूर्व महासचिव नरसा श्री पंकज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि अपर महाप्रबंधक श्री अमित कुमार अग्रवाल एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे ने इतिहास रचते हुए पहली बार यह प्रतिष्ठापरक प्रतियोगिता जीती है, इसके लिए मैं टीम को बधाई देता हूं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सभी संबंधित ने सराहनीय योगदान दिया। सचिव महाप्रबंधक एवं क्रिकेट सचिव डीके खरे ने प्रतियोगिता के आयोजन में योगदान देने वाले सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में खेले गए फाइनल मैच में टॉस पूर्वोत्तर रेलवे के कप्तान प्रशांत अवस्थी ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पूर्वोत्तर रेलवे के सलामी बल्लेबाज निशांत राय ने 61 गेंदों पर 2 चौकों की सहायता से 38 रन बनाए, जबकि दूसरे सलामी बल्लेबाज सौरभ दुबे मात्र 5 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उपेंद्र यादव ने 83 गेंदों पर 4 चौकों की सहायता से 54 रन तथा शुभम चौबे ने तेजी से रन बनाते हुए मात्र 59 गेंदों में 7 चौकों एवं 4 छक्कों की मदद से 91 रन। कप्तान प्रशांत अवस्थी ने 21 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 38 रन बनाए। पूर्वोत्तर रेलवे ने निर्धारित 40 ओवरों में 5 विकेट खोकर 234 रन बनाए। मेट्रो रेलवे के नीलकंठ दास ने 8 ओवरों में 69 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि तुहिन बनर्जी एवं अर्णव नंदी को 1-1 विकेट मिले। 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेट्रो रेलवे का पहला विकेट 29 रन पर अर्णव नंदी का गिरा। उन्होंने 16 गेंदों पर मात्र 9 रन बनाए। दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिजीत सिंह ने 75 गेंदों पर शानदार 76 रन बनाए। आरिफ अंसारी ने 27 गेंदों पर 1 चौके की सहायता से 18 रन। कप्तान अरिंदम घोष ने 32 गेंदों पर 2 चौकों की सहायता से 21 रन। सौरभ सिंह ने 25 गेंदों पर 2 चौकों की सहायता से 12 रन बनाए। अन्य कोई भी खिलाड़ी दहाई की संख्या को नहीं पहुंचा और मेट्रो रेलवे की पूरी टीम 34.2 ओवरों में 151 रन पर ही सिमट गई। पूर्वोत्तर रेलवे के शिवम दीक्षित ने 7 ओवरों में 2 मेडन रखते हुए 31 रन देकर 3 विकेट। रजत निर्वाल ने 6.2 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट। शुभम चौबे ने 5 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट तथा सौरभ दुबे ने 2 ओवरों में 10 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किए। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को फाइनल मैच पूर्वोत्तर रेलवे और मेट्रो रेलवे के बीच खेला गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे की टीम विजयी हुई। उन्होंने कहा कि 65 साल बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने पहली बार विजय हासिल की है और नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट से जो नए खिलाड़ी हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की विजेता टीम के कप्तान प्रशांत अवस्थी ने कहा कि टीम की मेहनत से यह टूर्नामेंट जीते हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष नरसा श्री योगेश मोहन, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक श्री डी के श्रीवास्तव, मुख्य कारखाना इंजीनियर श्री वी एस दोहरे, उप महाप्रबंधक सामान के सी सिंह, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी राणा प्रताप चंद, कोषाध्यक्ष नरसा जय प्रकाश सहित वरिष्ठ रेल अधिकारी, खिलाड़ी तथा क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे। सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद विजय सिंह ने प्रतियोगिता के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विजेता टीम के कप्तान प्रशांत अवस्थी एवं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
ऑर्गेनाइज किया है और देश भर में बाकी बैठ कर दूसरे के लिए जा रहे हैं। अरे बोल है वही यहाँ खाई के हमारे मुख्य अपर महापौर साहब, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, नासा के सभी ऑफिसियल, मेट्रो के सभी खिलाड़ी, उनके ऑफिसियल्स, मैनेजर, नॉर्दर्न टीम के प्रतिनिधिगण, पूर्वोत्तर रेलवे क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी, एम्पायर, सभी सज्जनों, आप सभी का रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जो पहले दिन हम लोगों ने मीटिंग करी थी टेक्निकल ऑफिसर्स के साथ, तब हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे हम लोग खेलेंगे और बहुत ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया गया और बिना टेक्निकल ऑफिसियल अंपायर्स के सपोर्ट के संभव नहीं था। बहुत ही अच्छे से डिसीजन लिए गए और बहुत अच्छे मैचेस खेले गए। लगातार हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, थर्ड प्लेस और फाइनल मैच आज खेला। बहुत ही अच्छे मैच हुए। जो टीम अच्छा प्रदर्शन की वो टीम जीती। सभी विजेता टीमों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हमारे मुख्य अतिथि वाले हमारे अपर महाप्रबंधक कीजिए अमित अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दो शब्द अपना यहाँ के आदमियों को मंत्र और आज अपनी सेवाएं सुरक्षा के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद थे पूरे मैच में, हर इसी रेलवे में आएंगे। सोचा कि सर आप यहाँ पर है कि नहीं, सर से तो वेट हुई थी। थैंक यू सर। चलो नीरज शर्मा जो कि नॉर्दर्न रेलवे से, अब मैं नॉर्दर्न रेलवे के लिए अफिसर से अनुरोध करूँगा कि थर्ड प्लेस की प्राइज है अदानु घोष चक्रवर्ती, पुरस्कार के लिए पहले बुलाऊंगा। मैं पहली बार इस चैंपियनशिप को जीता है उन्होंने बेहतरीन मार्किंग को। उपेंद्र यादव,
खेल के पुरस्कार शिव कुमार राम जी अच्छा प्रदर्शन मेट्रो रेलवे कलकत्ता का रहा है पूरे इन्होंने काफी अच्छी थैंक यू मैसेज जीते हैं इन्होंने थैंक यू रेलवे पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप 2021-22 के समापन की घोषणा करता हूँ। थैंक यू प्रशांत अवस्थी काफ़ी अच्छा लग रहा है। टीम ने काफ़ी मेहनत करी थी और उसका ये फल है कि आज हम एक टूर्नामेंट जीते हैं और ये हिस्ट्री है एनी रेलवे की क्रिकेटिंग पूरी जो जर्नी रही है 65 साल में पहली बार हम जीते हैं तो एक हिस्ट्री रिटर्न करी गई यहाँ पे। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी युवाओं को? यही है कि देखिए आप कोशिश करते रहिए मेहनत करिए आपको कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये खेल है थोड़ा समय लगता है मेहनत करते रहिए और आपको कभी ना कभी रिवॉर्ड वापस आएगा गेम का। 65वां इंटर रेलवे क्रिकेट चैंपियनशिप जो 16 तारीख को प्रारंभ हुआ था आज 21 तारीख को इसका समापन मैच फाइनल मैच पूर्वोत्तर रेलवे और मेट्रो रेलवे के बीच में खेला गया जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे की टीम विजयी रही और 65 सालों बाद जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ कह सकते हैं पहली बार पूर्वोत्तर रेलवे को इस टूर्नामेंट में विजय हासिल हुई है यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले 8 साल पहले लगभग हम लोग सिल्वर मेडल जीते थे बट ये वर्षों पुराना जो सूखा था वो आज दूर हुआ है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्लेयर्स ने खेला है और एक बहुत ही अच्छा नॉकआउट टूर्नामेंट जो पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ ने आयोजित किया उससे गोरखपुर में जो लोग हैं उनको क्रिकेट देखने का अच्छा क्रिकेट देखने का मौका मिला। बड़े स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे आए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी जो टीमें खेल रही थी उसमें ढेर सारे रणजी प्लेयर और पुराने एम्पायर्स ऑफिशियल्स यहाँ पे आए तो मैं सभी विजेता टीमों को बधाई देता हूँ बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ पूर्वोत्तर। क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह के टूर्नामेंट से जो नए खिलाड़ी हैं जो उदीयमान खिलाड़ी हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नए ट्रिक्स उन्होंने सीखे होंगे जो प्लेयर्स हैं और मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि अब आप हमारे जो प्लेयर्स जिन्होंने रन बनाए हैं जिन्होंने अच्छे विकेट्स लिए हैं अब उनका इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू।